हेलो गाइस, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बैक पेन डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं। ये हम क्लास पे फ्रोस्टेट कर रहे हैं। 7 HP का कंप्रेसर है हमारा, और ये फ्रोस्टेट करने वाली गन और प्रेशर। अगर आपको फ्रोस्टेट करने के लिए अगर कंप्रेसर ख़रीदना हो, सबसे बढ़िया बेस्ट है 5 HP और 7 HP का। अगर आप गिलास का काम करना, डिज़ाइन करना चाहते हैं, फ्रोस्टेट का काम करना चाहते हैं, तो आप 7 HP या 5 HP का कंप्रेसर ख़रीदें। उससे क्या होता है, आपके फ्रोस्टेट करने के लिए जो रेत गिलास पर मारते हैं उसमें प्रेशर फुल रहता है, तो आपका फ्रोस्टेट जल्दी और अच्छा हो जाता है। तो गाइज़, ये हमने आधा गिलास हमारा फ्रोस्टेट हो चुका है, और 24x77 का गिलास है हमारा, और इस साइड में हमने गिलास पलट लिया है, दूसरे साइड में फ्रोस्टेट कर रहे हैं। और फ्रोस्टेट करने के लिए रेत आती है, बालू रेत, वो आप नदी से आसानी से कहीं भी, हल्की पतली रेत हो और मोटी, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, जो गन में निकल जाए, ऐसी रेत लाएं। और फ्रोस्टेट 7 HP या 5 HP का कंप्रेसर रहेगा अपना, प्रेशर में इस गन में भरें और गिलास पर फ्रोस्टेट करें। और गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर वीडियो या आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और गाइस बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके जब भी मैं अपलोड करूं। तो गाइस, हमारा गिलास फ्रोस्टेट पूरा हो चुका है, अब हम चिपकाएंगे इस पर कटिंग। हमने प्लॉटर से कटिंग पहले से कर चुके थे, डिज़ाइनिंग डिज़ाइन, और गाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लॉटर से ही काम करते हैं आजकल, ज़्यादा प्लॉटर से ही काम होता है इधर गुजरात सूरत में, तो इस वजह से ये काम हमने कटिंग चिपका रहे हैं। कटिंग प्लॉटर कटिंग हो चुकी थी और हम ये इस पर चिपका देंगे। और गाइज, कटिंग चिपकाने से पहले हमने प्रोटेक्शन रोल लगाया था इस पर, प्रोटेक्शन रोल, जिससे कटिंग हमारी नहीं ख़राब होए। इस पर इसके ऊपर कटिंग स्टिकर के ऊपर गिलास को अच्छी तरीके से साफ करना है, बिल्कुल साफ कपड़े से साफ करने के बाद ये कटिंग चिपकाएं, और अच्छी तरीके से फोर्स हमने ज़्यादा कर रखी थी, इसमें कलर करना है, फोर्स ज़्यादा कर रखी थी। प्रोटेक्शन रोल लगाने के बाद भी हमारी कटिंग स्टिकर के पेपर के साथ आ रही थी। तो गाइज, आपको फोर्स थोड़ी कम रखनी है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी हमें गिलास बनाना था तो इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा रखी। ये प्रोटेक्शन रोल लगाया था हमने इसके ऊपर कि कटिंग नहीं निकले, हमारा अच्छे तरीके से चिपक जाए, ये प्रोटेक्शन रोल आता है। ये आसानी से आराम आराम से निकालें ताकि कटिंग आपकी नहीं छूट पाए। और फ्रोस्टिंग पे स्टिकर लगाएंगे तो बहुत कम पकड़ करता है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन रोल लगाएं। अब हम कर रहे हैं इस पे कलर, इसमें बेल में करेंगे हम डार्क ग्रीन कलर, और हमने डीको में ग्रीन कलर डार्क करने के लिए थोड़ा ब्लू कलर मिला लिया, और उससे डार्क ग्रीन हो गया है हमारा ये। इसमें डीको मतलब बैक पेंट में हमने वो कर लिया, बैक पेंट में थोड़ा मेलामाइन मिलाया, और इस पे हम डार्क ग्रीन करेंगे। देखिए, पूरे पे हम अच्छी तरीके से डार्क ग्रीन कर देंगे बैक पेंट, ये ओनली बैक पेंट में है, लाइट डार्क ग्रीन में बना हुआ गिलास है ये। और गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। ये पूरे गिलास पे ग्रीन डार्क कलर हो चुका है, डार्क ग्रीन, और बैकग्राउंड में करेंगे अब हम इससे कम लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट डार्क में मतलब डार्क इसके डिज़ाइन जो बांस है बम्बू, उसमें हमने डार्क ग्रीन करा, और इसके बैकग्राउंड में करेंगे लाइट ग्रीन। और गाइज, इसकी जो लाइन है एक सूत की, इसमें आएगी लाइट, इसमें से लाइट क्रॉस होएगी, LED की लाइट लगेगी वहाँ साइड पर, जहाँ पर जाएगा वहाँ लाइट लगी हुई है, और इसमें से लाइट क्रॉस होएगी। ये हमने कटिंग निकाल चुके थे, अब इस बैकग्राउंड में कर देंगे इसके ग्रीन कर देंगे, लाइट ग्रीन बैक पेंट। ऊपर लिखा हुआ है हमारे माशाल्लाह लिखा हुआ है, माशाल्लाह के अंदर आगा वाइट बैक पेंट, ओनली वाइट। ये देखिए लाइट ग्रीन, हल्का लाइट ग्रीन करेंगे इस पे, और
और गाइस जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है, काम थोड़ा कम चल रहा है, और अपने जिस तरीके काम चलेंगे तो नए नए वर्क मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह नए नए वर्क बताऊंगा। और आप मेरे चैनल पर लगे रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर अपने दोस्तों में, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए पूरा हमने कवर कर दिया है लाइट ग्रीन बैक पेंट से। और गाइज ये माशाल्लाह की कटिंग निकालेंगे, इसमें करेंगे वाइट बैक पेंट करने के बाद हमारा गिलास सुखाने के बाद इसकी लाइन निकल जाएगी। साइड पे जाकर लाइन निकाल कर इसे फिट कर देंगे। फिटिंग करने की इसमें वीडियो नहीं है, ये माशाल्लाह है, इस पर वाइट कलर हो जाएगा। और किस तरीके का लगता है ये देखिए, अब देखिए लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन बांसों में, बांस है ये, बांस का डिज़ाइन। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गाइज जय हिंद।